कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रदेश के अधिकांश जिला कलेक्टरों पर मतगणना में गड़बड़ी करने का संदेश जताया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय उन्होंने भाजपा के पक्ष में कार्य किया है। आप ही सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूरे मध्य प्रदेश में अधिकांश जिला कलेक्टर बेईमानी पर भारतीय जनता पार्टी के सारे पर भी मतगणना में गड़बड़ी करने का संदेह है। जिस प्रकार उन्होंने चुनाव के दरमियान कृत किया है उसमें बहुत से अधिकारी ईमानदार हैं, भले आदमी थे, उन्होंने ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाई है, परंतु बहुत से जो भ्रष्ट थे, जो लगातार पैसा कमाते थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम करते थे, उन्होंने इस प्रकार के कृत करिए और चुनाव में मतगणना के दिन वो बेईमानी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए कमलनाथ जी ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे मतदान अभिकर्ता जो अंदर बैठेंगे उनको बुला के निर्देश दिए हैं, सतर्क रहें, उनकी बेईमानी पर अंकुश न लगा पाए। इसलिए अंकुश लगाने के लिए क्या क्या काम करना है, नियमों में क्या नियम है, क्या कायदे हैं, उनको सबको बताएंगे ताकि हमारे कार्यकर्ता जो अंदर बैठने वाले हैं वो सतर्क रहें। प्रत्याशी को बुलाया है, साथ में आ जाएंगे, बैठ के बात हो जाएगी। क्या कुछ उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी? नहीं जी, कमलनाथ जी बताएंगे। जब बता दें कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। भोपाल से मृदुभाषी प्रदेश के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।